असल नमस्कार सत्या गुड इवनिंग मैं हूँ आर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हमें जी ज्वाइन किया है भार, भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच जय हिंद और आप सब लोगों को इफ्तार मुबारक हो आपकी इफ्तार की पार्टी बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सो मच सर सर लोग आम दिनों में इतना नहीं खाते हैं जितना रमजान में खाते हैं हालांकि एक टाइम का, oh का खाना God. कम होता है मगर डबल खाते हैं लोग इसमें लोगों के वेट बढ़ जाते हैं रमजान में ये भी अजीब बात है लेकिन सर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुबारकबाद दी और सर आज सबसे पहले तो हमारे आर्मी चीफ गए एल ओ आज और वहां जाके उन्होंने वही एक स्टेटमेंट जो दिया जाता है कि कश्मीर का इशू सॉल्व किया जाएगा और इसको जो है जिस तरह से यूएन रेजोल्यूशन में है उसी तरीके से हल किया जाएगा क्या लग रहा है आपको एक बस जैसे हर बार एक जो भी आर्मी चीफ आते हैं उनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट आती है वही है या फिर वाकई पाकिस्तान सीरियस है इस इशू इस इस को सॉल्व करने में मैं ये जरूर चाहूंगा आपके माध्यम से ये बात बोली जा सके कि पाकिस्तान पाकिस्तान के चीफ पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान का कश्मीर अपने आप में इस बात पर सीरियस होना चाहिए जरूर होना चाहिए क्योंकि हमने सत्तर साल में देख लिया कि जब हम सो so कॉल्ड इसके ऊपर लड़ाई पर भी सीरियस नहीं हो पाए देखिए मैं एक बड़ी अलग सी बात कर रहा हूं हमने लड़कर देख लिया आप वहां भी सीरियस नहीं हो पा रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक बार पाकिस्तान uh, का जो बेसिक है आई डोंट नो बट मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा मेरी समझ कहती है पाकिस्तान की राजधानी क्या है इस्लामाबाद जहां इस्लाम आबाद होता है ऐसा मैंने सोचा आई डोंट नो वेदर उसका करेक्ट नाम इसी वजह से है या नहीं इस्लाम की पॉलिसी क्या है प्यार भाईचारा नॉट लड़ाई आई थिंक इस्लामाबाद में इस्लाम के आबाद लोगों को यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर आप सत्तर साल लड़ाई की कोशिश करकर कर नहीं कुछ कर पाए तो एक बार इस्लाम के ऊपर चलकर अपने प्यार और भाईबंद को जगाकर देखें तो सही कि इंडिया कैसे बात नहीं करता मुझे लगता है चीफ साहब जो आपके कर रहे हैं वो रूटीन है ये प्रॉब्लम ये इसका हल रूटीन में नहीं है मैं कन्विंस्ड हूं आपके यहां कोई कन्विंस हो या ना हो इसको रूटीन से परे हटकर कुछ करना पड़ेगा आउट ऑफ दी बॉक्स थिंकिंग लगानी पड़ेगी जिस वजह से कहीं कोई बातचीत शुरू हो पाए अब तो हम अटक गए हैं बातचीत पर भी लड़ाई छूट गई अब बातचीत पर अटक गए अब ब्लेम गेम पर अटक गए मुझे लगता है इन सबसे ऊपर उठकर किसी ना किसी को चाहे वो इंडिया बोले चाहे पाकिस्तान बोले कि सर मैं उंगली खड़ी कर रहा हूं मैं बात करता हूं आरजू आजमी बात करती है चलिए आज आप पाकिस्तान बन जाइए और मैं हिंदुस्तान बन जाता हूं और दो पड़ोसी देशों के तौर पर बात कर लेते हैं कि सर ये क्यों नहीं हो सकता ये जरूर हो सकता है ये क्यों नहीं वाला पार्ट हमने बहुत टाइम से सीख लिया ब्लेम गेम में बट मुझे लगता है हर एक चीफ को जो नया चीफ आए पहली बार विजिट करे कुछ ऐसा नया बोलना चाहिए कुछ ऐसा नया प्रपोजल देना चाहिए कोई एक ऐसी नई राह देनी चाहिए एक ऐसी हवा देनी चाहिए एक जिसमें गरमाइश हो जिसमें आपसी रिलेशनशिप की गरमाइश हो मानवता की गरमाइश हो आई थिंक तब जाकर कहीं किसी के बोलने का कोई फायदा है अदरवाइज रूटीन में हर एक चीफ एक जैसी ही बात करेगा लेकिन सर इतने साल से तकरीबन सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए हर बार जो है वो कश्मीर इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता ना भारत की तरफ से ना ही पाकिस्तान की तरफ से मैं ये नहीं कह रही कि, कि किसी की गलती है या किसकी गलती है लेकिन फिर भी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं आप समझते हैं जिसपे जाकर ये ये बहस या ये डिबेट या ये प्रॉब्लम जो है उधर ही रह जाती है और सॉल्व नहीं हो पाती ऐसे कौन सी चीजें जो दोनों कंट्रीज मिल बैठ के सॉल्व नहीं कर पा रही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैरेक्टर की मुझे लगता है आज की तारीख में जब तक आप एक अपना दिमाग ना बनाएं एक कैरेक्टर पीसफुल कैरेक्टर और उसके बेसिस पर एक दिमाग ना बनाए एक ठान ना ले एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं मैं ठान लेता हूं आज कि आरजू काजमी प्रोग्राम में नहीं आऊंगा तभी तो होगा कि मैं नहीं आऊंगा लेकिन वो ठानूंगा कैसे ये ज्यादा जरूरी बात है मैं ठानूंगा जब जबकि मेरे को मेरा कैरेक्टर दिखाएगा कि आरजू काजमी जी मेरे या मेरे देश की निंदा कर रही हैं इंसल्ट कर रही हैं इज्जत नहीं कर रही हैं तभी तो ठनेगी बात हम आपस में दुश्मन देश हैं कहने के लिए लेकिन टीवी पर डिस्कशंस में सब जगह हम साथ हैं कल्चर हमारा साथ है पहनावा हमारा साथ है आप और मैं हिंदी में बात कर पा रहे हैं इससे और बड़ी क्या बात है बिगेस्ट बाइंडिंग इस वजह से अगर कई जगह पर मुझे कोई ये बोलता भी है कि सर आप पाकिस्तान में शो मत किया करिए मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए गलत क्या किया है मैंने उसमें वो बता दीजिए मुझे आप मुझे कन्विंस कर दीजिए कि मैं गलत कर रहा हूं या पाकिस्तान मेरे से गलत कर रहा है ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चैनल में एक टाइम कहा कि किसी ने कुछ गलत कह दिया इनफैक्ट मुझे आज भी याद है आपके ही तरफ से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि सर वो बेकार प्रोग्राम में मत जाइए वहां गाली गलौच होती है ऐसे इंसल्ट करते हैं क्या फायदा है बाई द वे आपके यहां पर भी कई लोगों ने कहा सर आपके यहाँ चैनल्स कुछ ऐसा करते हैं हमने भी अपने चैनल्स में बात करी कि यार ये गाली वाली देने का क्या मतलब है एक दूसरे को इंसल्ट करने का क्या मतलब है हमारी आपस में नहीं बन रही एज अ कंट्री लेकिन पढ़े लिखे लोगों के तौर पर हम डिस्कशन कर सकते हैं मुझे लगता है सबसे बड़ी जो अड़चन है वो है एटीट्यूड की हमारे अंदर शायद वो गंभीरता वो एटीट्यूड मानवता के तौर पर कि भाई क्या फायदा हो रहा है इसको सॉल्व करने में या क्या फायदा नहीं हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान देखता है इंडिया को तो कोई फायदा नहीं हो रहा इंडिया देखता है कि नहीं जी मेरे अपने फायदे होने चाहिए अगर इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो दुनिया में कभी कहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी ये बड़े सीधी सिंपल बात है नेक्स्ट इंटरनेशनल ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना इनको ये बहुत जरूरी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कहीं सुलह ना हो जाए क्योंकि काफी सारे ऐसे जहाज मैन्युफैक्चरर हैं काफी सारी ऐसी आर्म्स इंडस्ट्री है जिसका तकरीबन ऐसा समझा जाता है 20 से 27 परसेंट उनका बिजनेस इसी वजह से चल रहा है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है तीसरी और बड़ी बात चाइना जैसे कंट्री को ये जरूर पता है जिस दिन इंडिया पाकिस्तान मिल गए ये दोनों भाई मिल गए तो भाई साहब इनके जो डोले हैं ना इनसे पार पाना मुश्किल है नो बडी कैन सो कई लोगों के इंटरेस्ट में है इंटरनेशनली कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड ही रहे लास्ट हालांकि मैं उसको लीस्ट बोलूंगा दैट इज ऑल्सो द पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इससे परे नहीं रह सकती पल्ला नहीं झाड़ सकती दोनों ही साइड में पॉलिटिकल एक एजेंडा है बड़ा रिलायबल एजेंडा है कि हम जो पॉलिटिकल सोच चल रही होगी सपोज कर लीजिए मेरी पार्टी के खिलाफ मैंने जहां पाकिस्तान का नारा लगाया वो सब बदल जाती है एंड आई थिंक सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान के हर एक्सक्यूज अल्टीमेटली जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया आपके चीफ ने भी कह दिया पहले कि हम घास खानी पसंद कर लेंगे एक टाइम खाना खाना पसंद कर लेंगे लेकिन भाई साहब इंडियन आर्मी को नहीं छोड़ेंगे मुझे समझ नहीं आई आज तक किसने किसको कहा छोड़ा सर वो एटम बम के लिए कहा था किस लिए चलिए मैं मैं जानता था आप यही कहेंगी एटम बम किसके लिए है पाकिस्तान के लिए है टीटीपी के लिए है अफगानिस्तान के लिए है रशिया के लिए है चाइना के लिए है यूएस के लिए है एक नाम बता दीजिए जिसके लिए है और वो जवानी हर बच्चे को पता है इंडिया के लिए इंडिया सेंट्रिक ये भी आपके यहां का डिक्लेयर्ड पॉलिसी है मैं इसमें खोट नहीं निकाल रहा हूं मैं गलतियां नहीं निकाल रहा हूं मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कम से कम आपको एक परसेंट की एश्योरेंस है नो फर्स्ट स्ट्राइक दैट मीन वो पाकिस्तान के लिए नहीं है ये पक्की बात है ठीक है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोल्ड होकर कह दिया कि नो फर्स्ट यूज का मतलब ये नहीं है कि इसे रिव्यू नहीं किया जा सकता यस yes, ठीक है किया जा सकता है करा भी जाना चाहिए जरूरत पड़ने पर मुझे आप एक बात बता दीजिए इतना एक साल से ज्यादा हो गया कि रूस अभी स्ट्राइक करने वाला है करने वाला है करने वाला है जेपोरेसिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर कुछ होने वाला है होने वाला है होने वाला है आजकल तो आपने ये तक देख लिया कि नहीं जी उन्होंने डिप्लॉय भी कर ली उन्होंने अपनी बाहर भी निकाल ली अमेरिका ने बोला नहीं जी मैं फिलीपींस में भी बेस बना वेपन सिस्टम को यूज करने के लिए दिल नहीं चाहिए पागलपन चाहिए सिर्फ पागलपन तो सर आपको, आप पागल आपको नहीं लगता पागलपन मौजूद है इस रीजन में यहाँ पर लोग जिस तरह के हैं चाहे वो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो साउथ एशिया में इस किस्म का पागलपन तो पाया जाता है और दूसरा ये कि अगर इंडिया जो है वो न्यूक्लियर एसेड्स बनाएगा तो पाकिस्तान तो कहेगा कि जी हमें भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए हमें भी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाना पड़ेगा या बनाया बनाना पड़ गया ये भी तो यहाँ पे बात की जाती है तो ये कैसे माने कि हमें नहीं बनाना चाहिए था और अगर भारत बना रहा है तो कोई बात नहीं अगर आप इस बात को सिर्फ uh, मोल तोल के हिसाब से देखेंगे तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि आप ठीक है भाई पाकिस्तान को लगा इंडिया ने बनाया हमें भी बनाना चाहिए नहीं तो वो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर देंगे uh, उस लेवल पर ये मोल तोल शायद आपके लिए ठीक हो जाएगा मैं बात कर रहा हूं आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू नो कि इसका इस्तेमाल इज नॉट दी सोल्यूशन इसका डेटरेंस रहना अपने आप में इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ये कि आपके पास भी है मेरे पास भी है आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं बॉम्ब के तौर पर मैंने रेडी कर रखा है मैंने भी रेडी कर रखा है आपके पास एयर से बॉम्ब ले जाने की काबिलियत है मेरे पास भी है आपके पास शिप से ले जाने की काबिलियत है मेरे पास भी है आपके पास गन से फायर करने की काबिलियत है मेरे पास भी, पास मेरे पास भी ये डेटरेंस अपने आप में काफी है सो मुझे नहीं लगता लेकिन सर जो मिच्योर किस्म के स्टेटमेंट आती हैं चाहे भारत की तरफ तो से बहुत कम आती हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आती है पा पाओ के बना रखे हैं ये क्या सर ये चीजें भी तो नहीं होनी चाहिए ना इससे भी तो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर बोल रहे हैं तो कर भी सकते हैं क्या भरोसा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आप बताइए अच्छा चल चलिए आपने बड़ी जिम्मेदारी से बोला है और मैं एग्री करता हूं आपके आर्मी चीफ ने कितनी बार बोला है क्या हाँ भाई हम इस बॉम्ब को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे किसी एक का नाम बता दीजिए सर किसी ने सिर्फ पॉलिटिशियंस करते हैं वो भी देखिए यू 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 हैव नेल्ड दैट इज द द नेल ऑन कॉफिन बात खत्म हो गई अच्छा चलिए कोई बात नहीं आपके कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा है चलिए वो भी छोड़ दीजिए ऐसे कितने आपके इतिहासकार हैं हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये बात कहा है नहीं कहा ऐसे कितने ऐसे कितने ऐसे कितने आपके निशाने पाकिस्तान अवॉर्डीज हैं जिन्होंने ये कहा है नहीं कहा बड़ी जिम्मेदारी से करिए तो, किसी ने नहीं कहा एक या दो लोगों जिन्होंने कहा है उन्हीं को लेकर आप लोग भी ढोल पीटते रहते हैं ना कि इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे लिए हमारे लिए पाकिस्तान की एक तरह से खिल्ली उड़ाना अपने आप में मजबूर है कि ढाई पौना पौना पाओगे ओ माई गॉड यार तेरे को दिमाग नहीं था न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हो टैक्टिकल बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हो स्ट्रेटेजिक बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हो भाई साहब ये तो मैं कहूंगा यूएस रशिया और नेटो को सीख लेनी चाहिए कि यार ये पाओ पाओ अगर बम बना ले हम तो इनका असर जो है वो टैक्टिकल से भी कम में हो जाएगा ये हंसी की बात मानी जाती है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब अपने आप में अल्टीमेट माने जाते हैं उससे आगे हमारे पास कोई बॉम है नहीं इसलिए सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मीडिया उस बात की खिल्ली उड़ा रहा है आपको बार बार ताने मार रहा है कि भाई साहब अपने उस पॉलिटिशियन को यह तो बताओ कि वोट इज दिस पोना पोना पाओ दैट इज द ओनली रीजन यू मस्ट टेक इट विद पिंच ऑफ सोल्ट दिस इज अ जोक दिस डेफिनेटली अ जोक फ्रॉम इंडियन साइड टू उड़ाओ खिल्ली ऑफ दैट मिनिस्टर हुनॉर्चुनेटली यूज इट टू टू फोर टाइम्स मतलब वो सीखने को तैयार नहीं है मैं इसीलिए उस बात को पाकिस्तान की स्टैंड नहीं मानता हूं। right. मैं उस आदमी की इमेचोरिटी मानता हूं Haan. उस आदमी की अपने आप को मीडिया में ऊपर उठाने की बात मानता होना भी यही चाहिए सर होना भी यही चाहिए मेरे ख्याल है ज्यादा पब्लिक आपको ऐसी मिलेगी जो अमन चाहती है जो आराम से रहना चाहती है बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी भी तरह का क्लैश चाहते हैं चाहे भारत से या किसी भी कंट्री से लेकिन सर एक चीज और आपसे मुझे आ, आज समझनी थी कि आप जाहिर है कि आर्मी में रहे हैं तो आ, आप मुझे ये बताएं सर की ये आखिर टी को काबू क्यों नहीं कर पा रही पाकिस्तान की फौज या एजेंसीज क्योंकि कहा यही जाता है हमें तो यही बताया जाता है बहुत थोड़े से लोग हैं बारह हजार है या पंद्रह हजार है जो टीटी पी में हैं और यहाँ पे लाखों की फौज है तो ये क्यों जो है बार बार हम देख रहे हैं अटैक्स हो रहे हैं मैंने अभी आपको दो सेकेंड पहले बात करी थी जे एन के से रिलेटेड रीजन रिमेन सेम कोई भी देश चाहे इंडिया हो वह पाकिस्तान हो चाहे कोई और कंट्री हो हर उस चीज से पार पा सकता है काबू पा सकता है जहां उसका कैरेक्टर और जहां उसके अंदर का जज्बा उस चीज को कंट्रोल करने का हो आपके यहां टीटीपी को कंट्रोल ना करने का इससे बड़ा लाइव एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपके अभी रिसेंटली बाहर गए प्राइम मिनिस्टर जो आउट आउट हो गए हैं जिन्हें आउट किया गया है वो बंदा जो अपने सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए आज इतना लंबी चौड़ी बातें कर रहा है मैं इमरान खान का कोई फॉलोअर भी नहीं हूं और उसके कोई अगेंस्ट नहीं हूं मैं आपको लाइव एवेल्युएशन करके दे रहा हूं अगर उसकी पार्टी के ऑथराइज लोग अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम टीटीपी से बात करेंगे क्या बात करोगे हमारा कैरेक्टर इसका मतलब एज अ पाकिस्तान आपने डिवाइड कर दिया भाई बड़ी सीधी सीधी बात है ना दुश्मन है तो दुश्मन है ये नहीं चलेगा कि अगर मैं मेरे को आज सडनली पावर से बाहर निकाल दिया है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एक्चुअली बी डूइंग वेरी गुड फॉर इंडिया कल तक तेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं था।, तेरे से थे, इंडिया था लेकिन पाकिस्तान में एक नई सी आवाज निकल पड़ी नहीं जी उनकी इकॉनॉमी इज वेल जबकि संबडी से अगर हम डिवाइडेड रहेंगे ना एज ए कंट्री हमारा प्रॉब्लम आएगा और आपके यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली आ जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीजन क्या हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के भाई मुस्लिम हैं या नहीं है पहली बात और हमारे भी उन भाइयों में जो हमारे मौलाना हैं ये डिक्टेटोरियल हैं या डेमोक्रेटिक हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक रिलीजियन पैनेटिज्म मेरी सोसाइटी को ओवरटेक कर लेती है तो तकलीफ बढ़ेगी बड़े इसके लाइव एग्जाम्पल इंडिया भगत चुका है देख चुका है आप सब देख चुके हैं अगर दूसरे को देखकर नहीं सीखना चाहते तो आपकी मर्जी है टी टीपी इज नॉट पाकिस्तान जब तक हम ये सब नहीं मानेंगे इस प्रॉब्लम की तरफ हमारा अटेंशन जाएगा जाएगी वो दस हजार है बारह हजार है बारह हजार की फैमिलीज लगा लीजिए आप कितनी है कौन सी ऐसी माँ है जो ये बोलेगी कि नहीं जी मेरा बेटा गलत करता है बड़ी रेयर होती है माँ के लिए बेटा सोना ही होता है सबसे बढ़िया होता है मेरा सुंदर पुत्र होता है वगैरह वगैरह एक एक फैमिली का अगर एवरेज दस लोगों का एवरेज लगा लीजिए तो वो बारह हजार नहीं हुए वो लाखों में निकल गए प्रॉब्लम इज दिस पाकिस्तान हैज स्टैंड टू रियल और वो पता है क्यों नहीं करने देते पॉलिटिशियन आपको क्योंकि अगर आपने एंटी मुस्लिम टीटीपी एक्शंस uh, ले लिए तो आपको यह प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम फिर कश्मीर में क्या बोलेंगे क्योंकि वहां भी बोलना है कि नहीं जी हम तो मुस्लिम्स के साथ खड़े होना चाहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान अब एक नई दिशा पे चलना चाहिए कि वो ये ना देखे वो ये ना देखे कि वो मुस्लिम है इसलिए सही है पाकिस्तान यह देखे पाकिस्तान के लिए क्या सही है देर मे बी समथिंग गुड और बैड अगर उन्हें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को हटाना पड़ेगा ये तो वो वाली बात होगी ना आपके यहाँ बड़ा फेमस है सिया सुन्नी वाला केस अब कौन सही है कौन गलत है अगर आप इसमें ही पड़े रह जाएंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस के पाकिस्तान के लिए क्या सही है आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस वजह से टीटीपी आपके ऊपर हावी होता है मौलाना हावी होते हैं आप मिसगाइड होते हैं आप ही के यहां आजकल कहा जा रहा है कितना सिक्सटी सेवन समथिंग लाइक दैट टेरर अटैक ऑन योर सिक्योरिटी फोर्स इनक्रीज गॉड बी कहीं एक भी मौत होती है ना मेरे लिए बॉर्डर मौत है मेरे बॉर्डर के अंदर हो रही है भाई केरला में हुई तो क्या हुआ मेरा है केरला वो किसी भी वजह से अगर मरता है और उसका अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड अगर संबंध दिखता है इट्स अटैक ऑन मी जहां बात आ जाए वॉट इज फर्स्ट पाकिस्तान इज फर्स्ट टी टी पी इज फर्स्ट शिया इज फर्स्ट सुन्नी इज फर्स्ट डिसाइड कर लीजिए मैं आपसे अपील करता हूँ पाकिस्तान शुड भी फर्स्ट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए सर और मेरा ख्याल है यहाँ पे लोग जो सुनेंगे हमें जो कि आई एम श्योर तक ये वीडियो जाती है तो थोड़ा सा अकल ने करें और थोड़ा सा पाकिस्तान को संभालने की कोशिश करें लेकिन तो सर ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नुकसान है सभी का नुकसान है अगर टीटी इस किस्म के अटैक्स करती है और ये नहीं रोक पाते तो इसमें जो भी सात कंट्रीज है उनका भी नुकसान उतना ही है जितना पाकिस्तान का ऐसा नहीं होना चाहिए देखिए आपने कहा कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है पूरी दुनिया का है जैसे ही मैं कहता हूं पाकिस्तान फर्स्ट मुझे किसी से कोई मतलब नहीं मुझे पहला मतलब है मेरे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का नुकसान है तो यह चीज मैं नहीं होने दूंगा यस यस yes, yes, मानवता का नुकसान है मुझे नहीं होने देना चाहिए मैं ये भी कहूंगा पाकिस्तान नॉट से देश के चलिए जी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी चाहे वो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो उसका अगर नुकसान है तो मुझे क्या नहीं मानवता का नुकसान बिकॉज वी आर ऑल ह्यूम मैं तो कह रहा हूं आपके यहाँ पता नहीं इतना स्ट्रिक्ट है या नहीं हमारे यहाँ आजकल रोड पर अगर एक कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ आ जाए यू कांट से भाई मैं रगड़ दूंगा आपके खिलाफ केस हो जाएगा आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा दिस इज पार्ट ऑफ मानवता। ऑफ था वी डोंट किल आपको पता है हमारे यहाँ जेन्ट्स चप्पल क्यों नहीं पहनते कि वो चीटियां कहीं मर ना जाए गॉड oh क्या बढ़िया फीलिंग है मान ऑफता सो आई लिए सबसे जरूरी है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या मेरा पाकिस्तान ठीक कर रहा है आरजू काजमी जी को हम कई शोज में कई बार रिकमेंड कर चुके हैं कि आरजू जी मत मत क्रिटिसाइज करी अपने पाकिस्तान को कहीं ऐसा ना हो कि आपको लाइव शो में से किसी ने उठा लिया वी डोंट वी आर बी टेलिंग दिस टू लेकिन सर क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता है क्योंकि अपनी कंट्री की मुझे परवाह है और मैं चाहती हूँ ठीक हो जाए और लोगों को बाद में हम भी फखर से बता सकें कि जी हम पाकिस्तानी हैं अपना पासपोर्ट लेके हम खूब uh, आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकें इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है और कोई वजह नहीं दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म आज प्लीज लर्न फ्रॉम मी दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म आप क्रिटिसाइज नहीं कर रही आप रियलिटी फेस कर रही हैं आप ट्रुथ फेस कर रही हैं आप अकेली एक उन यू नो मीडिया पर्सन में से हैं जो ये मानने को तैयार है कि हां भाई हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं बिल्कुल आंख बंद नहीं कर रही हैं आप यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू आर बींग अ गुड क्रिटिक योर बेस्ट फ्रेंड आर योर ओन क्रिटिक जो आपको आपके बारे में सच्चाई से बताएं आप बोलती रहे कर्नल साहब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरा फोटोग्राफर को मैं बोलता हूं कि यार मेरे को तो लोग बोलते हैं सुंदर लग रहे हैं फोटो मेरी ऐसी थर्ड क्लास है। तो वो बोलता है सर फोटो तो वैसी ही आएगी जैसी आपकी शक्ल है।, है, <laughs> है लेकिन ये मैं बता दू पासपोर्ट और आई कार्ड पे सभी की तस्वीर खराब आती है हमारी भी ऐसी नहीं कर रही है टेक इट फ्रॉम मी यू आर बोल्ड एंड ऑनेस्ट कि एक बार सच्चाई को देख तो लें फिर उसे सॉल्व करेंगे नहीं कर पाए आप ये थोड़ी ना बोल रही हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई इस समय लेटे से इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई है तकलीफ आ गई है तो चलिए जी हम इंडिया को हैंड ओवर कर देते हैं अपने आप को आप ये थोड़ी ना बोल रही हैं कभी नहीं बोला आपने और ना ही आपसे कोई डिमांड कर रहा है क्या आप ये बोले भाई आप बताइए हमने टर्की को अभी भूकंप के टाइम पर काफी सामान दिया काफी मदद करने की कोशिश करी मानवता के तौर पर आजकल क्या चल रहा है कि जी वो तुर्की जो है फला फला अपना जो ड्रोन है वो एक्स वाई जेड कंट्री को दे रहा है और वो कंट्री आपकी एनिमी है आप बताइए लेकिन सर लेकिन सर हम भी तो ये चाहते हैं ना कि पाकिस्तान बजाय इसके कि हर किसी से मांगता रहे या लेता रहे उसकी वजह हम भी लोगों की मदद करने वाले या देने वालों में से आ जाए इस पोजीशन पे हम हो इस पोजीशन पे हमारी इकोनॉमी हो यहाँ पे भी फैक्ट्रीज ओपन हो जो बंद हो गई हैं यहाँ पे भी इकोनॉमी जो है वो संभल जाए तभी सर उठा के कोई जी सकता है ऐसे लोगों से मदद ले लेकर कितना चलेंगे पिछले फाइव यही हो रहा है आ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं लेकिन इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया कि अगर ने चार फालतू कंडीशन भी लगा दी है भाई साहब आज तो मानना पड़ेगा क्योंकि आज हमारी मजबूरी है हमारी उंगली दबी हुई है हमारी तकलीफ है इसमें एरोगेंस नहीं दिखाएंगे इसमें वे आउट निकालेंगे तरीका निकालेंगे कि हाँ भाई अगर हमें कुछ दिन के लिए अपने एक्स वाई जेड प्रोग्राम्स को थोड़ा रिड्यूस कर लेना चाहिए बंद मुझे बता दीजिए अगर बाई चांस मैं बोलता हूं कि चलिए जी पाकिस्तान अगर एक टेररिज्म रिलेटेड एक डिक्लेरेशन दे दे इंडिया को और वहां से एक ओपन इनविटेशन आ जाए एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ कि जी आ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अनकंडीशनल टॉक्स के लिए इंडिया आना चाहते हैं अनकंडीशनल टॉक बैठ के पहले कंडीशन डिसाइड करते हैं हम आने को तैयार हैं इंडिया बुलाने को तैयार नहीं है लेकिन हम आने को तैयार हैं क्योंकि के डिस्कस होगा दैट इज नॉट द करेक्ट वे दैट इज द पॉलिटिकल वे फौजी आदमी की तरह स्ट्रेट बात कर रहा हूं वो काजमी जी आइए इंडिया मैं आपको टिकट भेजता हूं इंडिया गेट पर बैठकर <coughs> इंडिया गेट पर बैठकर सामने पूरी दुनिया के आप और मैं डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे करेंगे मैं नहीं कहूंगा कि पीओके आप सरेंडर कर दीजिए तब बात करूंगा आरजू काजमी जी नहीं बोलेंगी कि सर पहले आप ये लिखकर दे दीजिए कि जे के पाकिस्तान का है मैं नहीं बोलूंगा कि बलूच किसका है मैं भी नहीं बोलूंगा वहां बैठकर आमने सामने बात करते हैं ना कि भाई साहब पाकिस्तान का कहना है कि हम बलूच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ऐसा कई बार कहा जाता है चलो जी बताओ कैसे कौन सा ऐसा इंसिडेंस है जिसमें आपको हम दिखाई दे बड़ी अच्छी बात मैं भी पूछूंगा आपसे जी बताइए ऐसा कौन सा आपका यूएन का चार्टर है जैसा भी आपके चीफ ने बोल दिया कि ऐसा कौन सा चार्टर है जहां ये लिखा हुआ है कि इंडियन फोर्सेस विल विद्रॉ लेकिन आप वेबसाइट अगर करना है तो उसमें कौन विड्रॉ करेगा एक बार यूएन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर सामने बैठ के बात कर लेते हैं लेकिन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे पता है क्यों क्योंकि अब आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफी साल पहले ये लिखकर कर दिया कि ये हमारा बायोलिटरल मामला है अब ये यूएन यु, का मामला है ही नहीं और यूएन ने भी ये बात मान ली तो अब कंडीशन आ गई ना लेट्स नॉट हैव कंडीशंस मैं आपकी कंट्री में आने को तैयार हूं हो सकता है आपकी आर्मी आपकी आईएसआई कोई मेरे को अरेस्ट भी कर ले गायब कर दे ऐसा लोगों का कहना होता है कि जी वहां इसलिए नहीं जाना और उसलिए नहीं जाना मैं मान सकता हूं लेकिन मैं आपको ये ऑफर तो कर सकता हूं कि अनकंडीशनल कोई प्री कंडीशन नहीं है कोई रिलीजन नहीं है इट इज इंडिया फर्स्ट फॉर इंडियन पाकिस्तान फर्स्ट फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान को पाकिस्तान मुबारक हो उसकी जय जयकार हो इंडिया को इंडिया मुबारक हो इंडिया की जय जयकार हो बिल्कुल कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स बिल्कुल ऐसे सर ऐसा ही होना चाहिए अमन रहना चाहिए और कश्मीर के लोगों को भी आराम से रहना चाहिए और हम तो बस यही चाहते हैं कि दोनों तरफ के जो कश्मीर है कश्मीरी रहते हैं वह कश्मीर के लोग वो आराम से रहें उन्हें कोई तकलीफ ना हो और ये जो बार बार क्लासेज होते हैं ये, ये ना हुआ करें हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया थैंक यू थैंक यू वेरी मच जय हिंद थैंक यू सर थैंक यू